नमस्ते फ्रेंड्स, सपनाज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये बाजार जैसे हम घर में भी बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम अदरक लिया है। इसको अच्छे से धो के इसका छिलका निकाल के इसके पीसेस किए हुए हैं। और इसके लिए 150 ग्राम लहसुन लिया है। दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, अदरक और लहसुन की। इसके लिए तेल हमने लिया है 2 बड़े चम्मच और नमक स्वादानुसार या फिर 1 टेबलस्पून। ये नमक जो है ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है, ये इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाता है। सबसे पहले हम एक ग्राइंडर जार लेंगे, ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, पानी का एक ड्रॉप भी इसमें नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इसमें हम अदरक लेंगे, इसमें लहसुन डाल देंगे और इसको हमें पीसना है। ये देखिए, ये थोड़ा सा चलाने से ये इस तरह से बन गया है। ये थोड़ा सा दरदरा है, अभी तक इसका पेस्ट नहीं बना है। तो अब हम इसमें नमक डाल देंगे और तेल डाल देंगे। तेल और नमक की वजह से ये एकदम स्मूथ बन जाता है। तो फिर से अब हम इसे पीसेंगे। ये देखिए, इस तरह से पेस्ट भर के हमारा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना स्मूथ बन गया है, एकदम बाजार जैसा। इसे हम कांच की बोतल में या एयरटाइट कंटेनर में भर के 20 से 25 दिन तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे कांच की बोतल में भर रही हूँ। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर बना कर देखिए। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन ज़रूर दबाइए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।